पंचकुला के पूर्व विशेष सीबीआई जज सुधीर परमार को ईडी कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा। ईडी की टीम ने पूर्व सीबीआई जज को गिरफ्तार कर आज ईडी कोर्ट में किया पेश। रिश्वतखोरी व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। आज पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष ईडी कोर्ट में पूर्व जज सुधीर परमार को किया गया पेश, जहां से कोर्ट ने कथित आरोपों के चलते पूर्व जज सुधीर परमार को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अप्रैल में हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB द्वारा पंचकुला में विशेष PMLA अदालत में तैनात पूर्व विशेष CBI और ED न्यायाधीश सुधीर परमार, उनके भतीजे अजय परमार और रूप कुमार बंसल के खिलाफ दर्ज की गई FIR से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने पंचकुला विशेष अदालत के निलंबित न्यायाधीश सुधीर परमार को कथित रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीरवार देर शाम को गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो की FIR में कहा गया है कि विश्वसनीय जानकारी के अनुसार गंभीर कदाचार, आधिकारिक पद का दुरुपयोग और उनकी अदालत में लंबित मामलों में आरोपी व्यक्तियों से अनुचित लाभ रिश्वत की मांग और स्वीकृति की घटनाएं देखी गयी। एंटी करप्शन ब्यूरो में केस दर्ज होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने परमार को निलंबित कर दिया था। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।